बात तो सही है, बच्चे तो सभी के खेलते हैं भिड़े मास्टर। हाँ। हाथी भाई, मैं मानता हूँ कि सभी के बच्चे खेलते हैं, लेकिन सोसाइटी में गंदगी ये सिर्फ टप्पू करता है। आ इधर आ, ये देखो इधर, ये पान की पिचकारी क्या टप्पू ने की है? इधर आओ और दिखाता हूँ मैं, ये इधर, ये इतना कचरा ये क्या टप्पू ने फेंका है? बोल। और इधर आ, ये देखो, ये इधर दाढ़ का हेठोड़ ये भी क्या टप्पू ने डाला है? क्या तू क्या भी सोसाइटी में झाड़ू पोछा करूँ मैं? अरे भाई, झाड़ू पोछा करने की कोई बात नहीं कर रहा है समझदार इंसान, सोसाइटी को कलर करवा दो। हाँ भिड़े मास्टर, मेरे भी पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा सोसाइटी का सेक्रेटरी पेंट क्यों नहीं कराता। करा दो भिड़े मास्टर, पेंट करा दो। अब भिड़े, 100 बात की एक बात, और इससे पहले बाहर के लोग अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को पुरानी भूतिया हवेली के अब फटाफट कलरिंग कराना शुरू कर। अब सारे लोग तैयार हैं कलर कराने के लिए, तुम तुरंत कोटेशन मंगा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। चलो। हाँ भाई, तो सब लोग आ गए अभी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओ पिड़ोत, तुझे यहाँ सब जानते हैं। ओ बैजा, ओ मुद्दे की बात पे आओ और ये बता कि कलर का क्या हुआ। आ भाई, आ भाई, फटाफट चल चल, जल्दी जल्दी चलो। तो मैंने कलर का कोटेशन निकाल लिया है, कुल मिला के 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन अपने सोसाइटी के फंड में सिर्फ 3 लाख रुपए। तो भाई बाकी के 1.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे भिड़े? सिंपल है मेहता साहब, 15 फ्लैट है, सब लोग 10-10 हजार निकालेंगे तो हो गया ना 1.5 लाख। हाँ। जेठालाल, और उसके बाद सोसाइटी के फंड में एक भी पैसा नहीं रहेगा। मान लो अगर कोई छोटा मोटा काम निकला, जैसे पानी की मोटर बिगड़ गई या ऐसे कुछ काम निकला, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? करेक्ट, थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए ना फंड में। करेक्ट है। हाँ 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 भाई, हाँ ठीक है, तो 10-10 की जगह पे सब लोग 25-25 निकालेंगे। ये भी ठीक है। एक काम करो, मेरे फ्लैट के बाहर का जो कलर है ना वो कैंसिल कर दो। अरे वहाँ सब बराबर है। क्या पोपटलाल, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो यार? मतलब तुम्हारे फ्लैट का कलर छोड़ दे, बाकी पूरी सोसाइटी में कलर हो, सोसाइटी है गोडाउन है तो माल कर दे यार। और तुम्हारा फ्लैट कैसा लगेगा? मखमल में टाट का पेपर। तो मेहता साहब, मैं एक साथ 25 हजार रुपए नहीं निकाल सकता। 25 हजार रुपए एक साथ देना तो मैं भी नहीं दे सकता। अरे भाई, तो फिर कलर कैसे होगा? वैसे जेठालाल, 25 हजार रुपए कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। हाँ। ओ पिडू, तू इतने साल से गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है और तूने बस 3 लाख रुपए जमा किए? वैसे हमारा पड़ोस का वो लक्ष्मी सोसाइटी, वहाँ पर 5-6 लाख का फंड हमेशा रहता ही है। अच्छा? हाँ। तो रहेंगे ना अय्यर, वो सोसाइटी मेन रोड पे है और उस सोसाइटी पे होर्डिंग लगे हुए होते हैं, खाली उस होर्डिंग का उस सोसाइटी को महीने का 1-2 लाख रुपया मिलता है। हाँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी ऐसी इनकम हो, ऐसा कुछ करो। क्या करे, हमारी सोसाइटी को रोड पे ले जाए। वैसे छोटी, क्या अय्यर भाई को अगर सेक्रेटरी बना दिया तो हमारी सोसाइटी रोड पे ही आ जाएगी? मेरे कहने का मतलब यह था। ये एक मिनट शांति रखो, मैं क्या कहता हूँ, मेहता साहब अगर मैं गलत हूँ तो टोकना मुझे। ये अपना क्लब हाउस है, गार्डन है, वो सबको बर्थडे पार्टी शादी उसके लिए भाड़े पर दे देता। हाँ हाँ, दे दो दे दो, इसी बहाने रोज अपनी भी दावत हो जाया करेगी। शादी पार्टी शादी भी हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी, ऐसे कैसे किराए पे दे दे? दावत नहीं हो जाएगी, सुख चैन से हम लोगों की अदावत हो जाएगी, शांति से दुश्मनी हो जाएगी। अरे भाई, ऐसे अगर हमने क्लब हाउस और गार्डन किराए पे देना शुरू कर दिया तो सोचो कितने लोग आएंगे, कितनी गाड़ियां हो जाएगी, सोसाइटी है कि धर्मशाला है? नहीं नहीं, ये आइडिया, सॉरी जेठालाल, ये आइडिया ठीक नहीं है। भाई हमारी प्राइवेसी कैंसिल हो जाएगी भाई। ओ पोपू, तू तो अकेला रहता है यार, और तेरी किस बात की प्राइवेसी? सॉरी भाई, होता है भाई, मैं सबके बारे में सोच के बोल रहा हूँ। भाई एक काम करो, कलर का प्रोग्राम कैंसिल करो। वैसे ये बात भी सही है। मेहता साहब, मेरे ख्याल से हम लोग 2-4 महीने रुकते हैं, उसके बाद सोचेंगे। 2-4 महीने बाद पैसे के आसमान से टपकेंगे। वैसे सोचने वाली बात तो है कि फिर क्या करें, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे कलर का बजट आया 4.5 लाख रुपए और तुम 2-4 महीने बाद मांगोगे कोटेशन तो 6 लाख रुपए का आएगा।
लेकिन कलर करवा भी तो नहीं सकते, करें क्या? इन शॉर्ट कलर का प्रोग्राम कैंसल। अरे फिर कोटेशन मंगवा कर ये मीटिंग की मगजमारी क्यों की यार? हाँ? वो तुम जेठालाल से पूछो। क्या मुझे क्यों भाई? क्यों, तुम्हीं ने बोला था ना कि सोसाइटी को कलर करवाते हैं। हाँ तो मैंने तो सुझाव दिया था, फिर सबने हमें भी तो भरी थी ना। हाँ, हम तैयार है, करवाओ करवाओ कलर करवाओ। लेकिन जेठालाल तभी सबको ये थोड़ी पता था कि सबको 25,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। देखो मैं तो 25,000 देने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ जी। मैं नहीं दे सकता, मैं भी तैयार नहीं। मेरे यहाँ भी आजकल पेशेंट कम आ रहे हैं। मेहता साहब, जेठालाल वैसे 25,000 रुपए यार इतनी छोटी रकम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि नहीं दे सकते। आता आता जो पंचों की राय, और क्या बोल सकता हूं मैं। तो फिर ठीक है, तो फिर इस मीटिंग के पश्चात ये निर्णय होता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में फिलहाल कलर का काम नहीं करवा सकते। हाँ, तो ये मीटिंग यहीं पे बर्खास्त होती है। चलो चलो, इसे कहते हैं लंग में भंग। चलिए भाई अय्यर साहब, क्या कांदा कैसे दिया? 60 रुपया। क्या? हा? अरे मुझे सब नहीं चाहिए, 1 किलो का भाव पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ तो 1 किलो का ही भाव है। अरे देखो, पहले कांदा काटने पर रुलाता था, अब तो भाव पूछने पर भी रुलाने लगा है। अरे यार साची बात है। चलो कांदा छोड़ो, मेरे को 15 रुपए की भिंडी दे दे। हाँ, आईसू 15 रुपए की 6 भिंडी। ओ माय गॉड। अरे देवा, 6 दिया। हाँ? 1 दे दो। अरे ओ पड़े, क्यों दिखा रोशन भाभी? अरे ये तो मैंने ज्यादा दे दिया, थोड़े दिन रुक जाओ, जवेरी की दुकान में तोले के भाव से सब्जियां मिलेगी। वो क्या है ना, मौसम खराब होने की वजह से खेती खराब हो जाती है, इसलिए सब्जियों के दाम आसमान में चढ़ गए हैं। ये सब गब्बर की वार्निंग की वजह से हो रहा है। गब्बर? 1 मिनट, गब्बर की वार्निंग मतलब? वो ठंडी की जगह गर्मी होती है, फिर गर्मी में वो बारिश बारिश में बर्फ आता है, उसको क्या बोलते हैं? सो बोले छे दया भाभी, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अरे आप सबको पता है ना, नॉस्ट्रोडामस नाम के ज्योतिष शास्त्र ने तो भविष्यवाणी की है कि 2012 यानी 2012 में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पता जी, तो टप्पू कब स्कूल खत्म करेगा, कब कॉलेज जाएगा, कब बहू मुझे खाना खिलाएगी? भाभी आप भी ना। ओ कम ऑन दया भाभी, आप कहाँ पहुँच गई? कल की टेंशन छोड़ो, आज साड़ी की सेल का लास्ट डे है, 2 साड़ी पे 1 साड़ी फ्री। दुनिया खत्म होने का टेंशन मत लो, साड़ियाँ खत्म हो गई ना तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। साची बात। हाँ हाँ बराबर है भिड़े बहन, कल की चिंता आज करेंगे तो आज ही खत्म हो जाएगा। चलो चलो जल्दी से घर का काम खत्म करते हैं और फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं। चलो चलो चलो। अरे अरे रुको, तो मेरे पैसे अली 2012 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, पैसा लेकर क्या करेगी? क्या मजाक कर रही हूँ? ये काम खत्म हो गया, बस अब फटाफट तैयार होकर शॉपिंग के लिए जाऊंगी। बापूजी, गेम ओवर। हुरा, बापूजी तो सो गए, ये काम निपटाने के चक्कर में मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, वो बात तो मैंने बापूजी को बताई नहीं। अब क्या करूं, बापूजी को नींद से उठा भी नहीं सकती और उनको कहे बगैर शॉपिंग में जा भी नहीं सकती। हाँ कोई बात नहीं, तैयार होकर आऊंगी, तब तक शायद बापूजी उठ जाएंगे। हाँ। ये फोन की घंटे की आवाज से बापूजी ना उठ जाए। हेलो,
हाँ हेलो दया भाभी। हेलो, धीरे धीरे बापू जी सो रहे हैं। दया भाभी मैं कोमल भाभी बात कर रही हूँ। हेलो आपको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो क्या है? क्या हुआ? लगता है फोन खराब हो गया है, वरना दया भाभी की तो आवाज ऐसी है कि यहाँ बोले तो अमेरिका में ओबामा सुन सकते हैं। एक मिनट, हम सब ऊपर जाके खुद उन्हें बुला के लाते हैं। हेलो, हाँ बोलो बोलो, मत बोलो मत बोलो, मैं जरा रूम में जाके बात करती हूँ। फोन पे माँ है, सोफे पे बापू जी है, दरवाजे पर कौन है पता नहीं। हेलो बो, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे बो, दरवाजा खोल। बापू जी उठ गए। अरे खोल दरवाजा। हाँ बापू जी। अरे दया भाभी, फोन पे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं कितना आपको हेलो किए इंतजार। नमस्ते नमस्ते। अरे दया भाभी क्या बात है, हम सब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए नहीं जाना? या, आ, चलो चलिए। हम वो क्या है कि बापू जी सो रहे थे तो उनको कहे बगैर मैं कैसे निकल सकती हूँ। सॉरी बापू जी, आपकी नींद बिगड़ गई। अरे नहीं नहीं बहू, गलती मेरी है, मुझे रूम में जाके सोना चाहिए था। वो सोने के भाव बढ़ गए, वो पढ़ते पढ़ते इधर ही सो गया। मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो शाम को चाय के टाइम पे आ जाऊंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र चाचा जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप लोग थोड़ी देर खड़े रहो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ओके जल्दी से, मतलब आप लोग बैठ भी सकते हो। ये देखिए। कितने की है? 15,000 मैडम। दूसरी दिखाओ। अच्छा है। ये देखिए भाभी जी, ये साड़ी पहनकर आप भाई साहब के सामने जाएंगी तो भाई साहब पागल हो जाएंगे। हमारे वो पागल हो जाएंगे तो घर में कमाएगा कौन? अरे अच्छा ये देखिए, इस साड़ी को देखकर तो आपकी सारी सहेलियां जल जाएंगी। हाँ अरे नहीं रिनी बाबा, अगर हमारी सहेलियां जल जाएंगी तो हम लोग पे तो पुलिस केस हो जाएगा। अच्छा दूसरी साड़ी दिखाओ। मुझे एकदम सिंपल प्लेन साड़ी दिखाना है जिस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी हो। प्लेन साड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली? भाई साहब अब पहले चाय पी लीजिए, हम बाद में साड़ी देखते हैं। नहीं नहीं मैडम, पहले आप साड़ी देख लीजिए, चाय तो मैं बाद में पी लूंगा। भाई साहब वो वाली साड़ी दिखाइए ना वो। We'll be right back.
मैडम ये हैं आपकी खरीदी हुई साड़ियाँ और ये हैं आपको फ्री में मिली हुई साड़ियाँ। फैंटास्टिक। अच्छा भाई साहब मेरा कितना हुआ बिल? मैडम आपका 1200 रुपए। फाइन। भाई साहब मेरा कितना पैसा हुआ? आपका 3000 रुपए। अरे मैं पर्स भूल गई। वही तो है आपका पर्स, क्या है भाभी आप? मेरे बहन ये बड़ा पर्स तो है लेकिन इसके अंदर मैंने छोटा सा पर्स रखा था जिसके अंदर पैसे रखे थे, तो वो छोटा पर्स मैं घर पे भूल गई। ओहो अरे देवा। भाई साहब मैं पैसे कल देकर जाऊंगी तो चलेगा? नहीं मैडम ये फ्री ऑफर सिर्फ आज के लिए है। अच्छा भाई साहब ये साड़ी फ्री में है तो ये मैं अभी साथ में लेकर जाती हूँ, और ये साड़ी जो मैं खरीदने वाली हूँ उसके पैसे कल दे दूँ तो चलेगा ना? नहीं मैडम ऐसा नहीं होता। पता था विश्वास का जमाना ही नहीं है। जरा आपका फोन देंगे प्लीज? मैं टप्पू के पापा के साथ बात करती हूँ जरा। अरे खरबंदा जी एक बार ऑर्डर तो दीजिए, मैं आपको कंप्लेंट का एक मौका नहीं दूंगा सर। नहीं नहीं अरे आपका ऑर्डर 200 एलसीडी का 300 का 400 का कितना भी हो, एक भी पीस अगर खराब निकला तो उसी वक्त मैं वो दूसरा पीस आपको दे दूंगा सर। एक बार भरोसा रखिए मुझ पे। जी जी आजी। हाँ जी एक सेकंड। बोलिया बोलिया कैसे याद किया? आज क्या, मैं तो आपको हमेशा याद करती हूँ। बबीता जी का फोन से तू क्यों बोल रही है? अरे वो क्या है कि दरअसल हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं और यहाँ पर 2 साड़ी पे 1 साड़ी फ्री है और मैंने 3 घंटे मेहनत करके 1 साड़ी। हाँ तो फोन क्यों क्या बोलना भाई जल्दी। वो क्या है कि मैं घर में पैसे और मोबाइल भूल गई हूँ, तो आप अभी पैसे देने के लिए आइए ना। अभी? हाँ। अरे भाई इधर धंधे का टाइम है, मैं ऐसा दुकान छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। हाँ चल फोन रख। अरे तो फिर मैं बिल कैसे चुकता करूंगी? अरे भाई आज खरीदी मत कर, कल कर ले। हाँ चलो जय जिनेन्द्र। हेलो जय जिनेन्द्र। हेलो 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 क्या हुआ दया भाभी? टप्पू के पापा तो नहीं आ सकते। ओ, अरे बाप रे आता। अरे कोई बात नहीं मैं आपका बिल पे कर देती हूँ ना। वैसे भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। भाई साहब आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं? हाँ मैडम हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। ओके। ये कौन सा कार्ड है? ये क्रेडिट कार्ड है, इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं और ये बहुत काम की चीज है। अगर हमारे पास पैसे ना हो ना तो ये काम आता है। अरे मैं घर जाके सब समझाती हूँ ना। मैडम आप कार्ड से पेमेंट कर रही हैं इसलिए आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह वाह भाई 10% डिस्काउंट मतलब 3000 पे 300 रुपए। इसमें तो महीने की शक्कर आ जाएगी। ये तो जादुई कार्ड है। दोस्तों कुल मिला के ये तय हो गया कि गोकुलधाम सोसाइटी में फिलहाल कलर नहीं होगा। भाई गोकुलधाम सोसाइटी में शायद अभी रंग न हो लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं पे एक नया रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का रंग। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक बनी अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह है ये। अभी पैसा मत चुकाओ लेकिन सारा माल खरीद लो। भाई क्या बात है, एक जमाना था जब हम खरीदारी तब किया करते थे जब हमारे जेब में पैसे भरे हों और जेब कटने का डर भी होता था। कुछ दुकानदार हमें उधार जरूर देते थे लेकिन इस वक्त गोकुलधाम की महिलाओं को लग रहा है भाई ये प्लास्टिक मनी कमाल की चीज है। आपको क्या लगता है ये क्रेडिट कार्ड अगर गोकुलधाम की महिलाओं ने लेने की ठान ली तो गोकुलधाम में क्या होगा? भाई गोकुलधाम की महिलाएं जब कुछ चीज ठान लेती हैं तो उसका रिजल्ट नॉर्मली हंगामा ही होता है और जब हंगामे होते हैं तो उसमें से निकलते हैं ठाके। ये कार्ड जो देता है उधार अब देखते हैं कि ये गोकुलधाम में क्या लेके आता है, प्यार या तकरार जो भी लेके आए लेकिन हंगामे होंगे जोरदार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हाँ ध्यान रखिए यहाँ पे ठाके उधार नहीं है, बिल्कुल हाथों हाथ। हेलो दोस्तों आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए
YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।